स्मार्ट घर बनाने के दो तरीके हैं, या तो 70,000 रुपये खर्च करो या 700 रुपये खर्च करो। या तो 70,000 के लिए पूरे मार्केट में घूमो, इंजीनियर को हायर करो, कॉन्फ़िगरेशन कराओ, या फिर 700 रुपये में सीधे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जाओ और एक स्मार्ट बल्ब वाईफाई इनेबल्ड वाला परचेज कर लो, काम खत्म। तो अपने पास ये यंत्र आ चुका है बिल्कुल 70,000 माफ़ी 700 रुपये वाला, और 700 रुपये में ये आपके घर को पूरा ऐसे जगमगा देगा, बिल्कुल आपको ऑटोमेशन वाला फील आएगा, रिच फील आएगी। जैसा थीम सेट करना है, जैसा करना है, जितना आलसपन भरा है आपके अंदर, वो सारे आलसपन को आप दूर कर पाओगे इसके थ्रू। तो ये है विप्रो का स्मार्ट बल्ब, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कमाल की चीजें। पीछे कुछ सेटअप बना रखा है हमने, तो गंदगी पे मत जाना, Amazon Alexa है इसको दिखाने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये सब नहीं भी है तब भी ये काम करेगा। बॉक्स को ओपन करने के पहले इसकी रामपुरी चाकू से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। खोलने से पहले कुछ अगर मैं स्पेक्स देख लूं, सबसे पहले 9 वॉट का बल्ब है। कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे चेंज कलर विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ आप सिंक कर सकते हो, जैसे गाना बजेगा वैसे बिल्कुल डिस्को की तरह जलेगा ये। 16 मिलियन कलर्स हैं जो आप आंखों से देख नहीं पाओगे, तो एग्जैक्टली आप कुछ कलर ही फील कर पाओगे यहाँ पे। ब्राइटनेस जो है ये कमाल की चीज है, आप अप टू 100% और 10% मिनिमम इसको एडजस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आप इसको नाइट लैम्प बनाना चाहते हो वो हो जाएगा, मूवी देख रहे हो कुछ अलग थीम चाहिए वो हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा लाइट चाहिए बिल्कुल 9 वॉल्ट वाली या 12 वॉल्ट वाली, तो वो काम भी ये करेगा। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल टाइमर लगा सकते हो, मतलब आप चाहते हो सुबह लाइट अपने आप ऑन हो जाए, ऑन नहीं, सुबह अपने आप ऑफ हो जाए, रात को अपने आप ऑन हो जाए, वो काम भी यहाँ पे हो जाएगा टाइमर के थ्रू। एंड ग्रुप कर सकते हो डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल एक रूम में 5-6 लाइटें हैं या आपके लिविंग रूम में हैं, आप जैसे इसको बोलोगे कि भाई टर्न मूवी मोड ऑन, तो मूवी मोड में आपने जो भी सेटअप किया होगा उसके हिसाब से आपका रूम रेडी हो जाएगा। चलाने के अलग अलग तरीके हैं, इसके एप्लीकेशन हर जगह अवेलेबल है, चाहे आपका गूगल प्ले हो गया, एप्पल स्टोर हो गया, अलेक्सा के साथ काम करता है, गूगल असिस्टेंट के साथ काम करता है, मतलब भाईचारा सबसे बना हुआ है अपना। प्राइस जो लिखा है यहाँ पे 2,099 रुपये, बिल्कुल नहीं लेना इस प्राइस पे, इग्नोर कर दो। 700-800 मैक्सिमम इतने में ये बल्ब आपको मिल जाता है, इससे कम में भी मिल जाएगा। बॉक्स को खोलते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने को, ये रहा आपका बल्ब। अब आप बोलोगे बल्ब भी अनबॉक्सिंग होने लगी, लेकिन क्या करें, जहां टेक है वहां हम है, तो ये रहा आपका बल्ब। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, विप्रो की ब्रांडिंग है और इस पर ज्यादा तामझाम नहीं है। सिंपल आपका होल्डर ऐसा है जो आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल जो भी सॉकेट होते हैं, होल्डर्स होते हैं, उसमें ये इजिली इंसर्ट हो जाएगा, मतलब ये B22 है एग्जैक्टली, और वो मेरे ख्याल से B20 होता है, तो ये आपका नॉर्मल होल्डर में लग जाएगा। क्विक स्टार्ट गाइड, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको इसको चालू करना है, सिंपल सी चीज है। इसको ऑपरेट करने के लिए इस कंपनी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो हमारे पास ऐप स्टोर में ये कर लिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे विप्रो का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को लॉन्च करते ही यहाँ पे विप्रो की ब्रांडिंग आ जाती है। बल्ब को सिंपल है सॉकेट में इंसर्ट करना है, ये लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है और यहाँ पे मेरा चेहरा पूरा ब्लैक हो जाता है, ब्लिंक कर रहा है, दैट मींस किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं आई है। तो सबसे पहले हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होगा विप्रो के एप्लीकेशन में जाके, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और इसने ऑटोमेटिकली कमाल की चीजें खुद डिटेक्ट कर लिया कि विप्रो का बल्ब आ रहा है। वैसे ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे बल्ब के ऑप्शन आते हैं, बल्ब पे क्लिक करोगे तो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली, और ये विप्रो का बल्ब यहाँ पे ऐड हो गया। पीछे वाली लाइट को मैं छुपा लेता हूँ, तो ये देखो विप्रो का बल्ब आ गया। कंफर्म करता हूँ और यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है, और अब इसको शांति में ले जाके, ये यहाँ पे विप्रो बल्ब आपका फुल्ली कनेक्टेड हो गया है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग फाइनल करते ही आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके लिए वेट करना होगा आपको। हेलो को थोड़ी से दूर कर लेते हैं आपको मेरे से, ये रहा आपका रिमोट, पीछे रहा आपका बल्ब। कलर चेंज करना है जस्ट, ओके ये वाला है स्लाइडर है, आपको ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, ये नॉर्मल कलर है जो एक कंफर्टेबल मोड में, जैसे येलो हो गया तो थोड़ा थीम वाले कलर चाहिए आपको, वो कर सकते हो आप। ये हो गया ऑफ, बटन क्लिक करते हैं, ये हो गया ऑन, तो रेड चाहिए तो रेड हो गया, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन हो गया, दिस इज योर ब्लू, जो पर्पल, पिंक। सीन क्रिएट करना है यहाँ पे आपको, तो सीन क्रिएट कर सकते हो, जैसे नाइट है तो नाइट मैंने इनेबल किया, रीड पढ़ने के लिए हो गया, वर्किंग सॉफ्ट लाइट करनी है, कलरफुल करनी है तो ये कलरफुल हो गया। एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आपका डिवाइस बेसिकली रेडी हो चुका है, आप इसको वॉइस कमांड से गूगल के साथ इंटीग्रेशन करके मेरा लाइट चालू करो, बंद करो, रेड करो, ब्लू करो, ये सारे काम कर सकते हो। मैं इसको एलेक्सा के साथ इंटीग्रेट करके देखता हूँ कि एलेक्सा इसको कैसे कंट्रोल करती है। बोल तो एलेक्सा में ऐड करने के लिए एलेक्सा वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं अपन सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ऐड डिवाइस में जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पे पूछता है किस टाइप का डिवाइस है, ऐड डिवाइस पर करते हैं, और यहाँ पे लाइट हमारी, तो लाइट पे
क्लिक करते हैं। लाइट का ब्रांड क्या है, तो लाइट अपना था विप्रो का। विप्रो मतलब मोस्टली जो कॉमन ब्रांड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसको बस हमें इनेबल करना है, इसको इनेबल कर लेते हैं स्किल को। अग्री एंड लिंक, विप्रो के साथ अपनी एग्रीमेंट होगी अपनी और अमेजोन की। ये अपना एग्रीमेंट चालू है और सक्सेसफुली लिंक हो गया। और इस डिवाइस को मैं कहाँ डालने वाला हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बेडरूम में डालने वाला हूँ। एंड वी आर डन। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा बेडरूम का कलर ब्लू करो। ठीक है। ब्लू। बेडरूम को रेड करो। ठीक है। एलेक्सा बेडरूम को बंद करो। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द विप्रो स्मार्ट बल्ब। छोटा सा डिवाइस है, आपके पूरे घर को ऑटोमेट करके स्मार्ट बना सकता है। किसी भी पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो गो एंड बाय वन, यूज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।